सो गाइज वेलकम है मेरी इस न्यू वीडियो में। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मैंने ये रील एडिट किया है, ठीक है। कैसे आप ISO फॉन्ट यानी आईफोन के फॉन्ट को कैसे एंड्रॉयड में एक्सेस ले सकते हो, कैसे आप वहां पे ये फॉन्ट यूज कर सकते हो, कैसे आप एडिटिंग कर सकते हो प्रोफेशनल वे में कैपकट के थ्रू, मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो पहले तो आपको कैपकट से VPN कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपको कैपकट एप्लीकेशन ओपन करना है। कैपकट ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने आएगा। देन आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और अपनी पहले वो वीडियो ले लेनी है जो आप शूट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने अपनी ये जैसे सपोज दैट ये वीडियो ले ली, मुझे अभी इस वीडियो पे रील बनाना है। सो लास्ट में देखो ये कैपकट का यहाँ पे लोगो वगैरह दिखता है, वाटरमार्क दिखता है, तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट करने के बाद अब आपको जो रील हो जिसकी तरह रील बनाना है, जैसे मेरी अभी दिखाया ना वो रील, तो उसकी तरह मैं रील बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब आप उसकी तरह रील बनाना चाहते हो सो आप देखो ये क्या करना है, यहाँ पे रील को एड ऑन कर देना है, ठीक है। अब एड ऑन करने के बाद अब इस वीडियो पे आपको क्लिक करना है जो आप रील बनाना चाहते हो जिस तरीके से ना, उस रील पे क्लिक करना है, ठीक है। उस रील पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे, आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन दिख जाएगा। पहले आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये ऑडियो पे क्लिक करने के बाद अब आपको ये ऑडियो एकदम आपको थोड़ा सा थोड़ी देर टच किए रहोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक आप मतलब अपने वीडियो के नीचे आप इसको ले देना, ये देखो ऐसे जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ ना ऐसे देखिए, ओके। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या है कि आपको अपनी ये जो है ना ये वीडियो अपनी वीडियो पे भी क्लिक करोगे और यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा वैल्यूम का, वैल्यूम पे जाके आपको इस वैल्यूम को जीरो कर देना है, ठीक है। अब ये देखो, ठीक है, ये होने के बाद अब आपको ध्यान में ये रखना है, ये जैसे ये जो भी पर्सन की तरह आप रील एडिट करना चाहते हो, रील जब एड ऑन करोगे तो यहाँ पे दूसरे पर्सन का फेस आ रहा है ना, जैसे ये मेरा आ रहा है। इसको हटाना कैसे है आपको ये देखना है कि ये कहाँ तक आ रहा है, ये जैसे ये है ना, ये कहाँ तक मेरा फेस आ रहा है, जहां तक मेरा फेस आ रहा है ये देखो, यहां तक फेस है ना मेरा, ये देखो यहां से दूसरा वीडियो आ गया है यहां से। तो यहाँ पे आपको ये स्प्लिट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप स्प्लिट इसको कर देना, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद इसको डिलीट यहां से कर देना है। डिलीट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको म्यूजिक मिलाना है कि म्यूजिक जहां पे जैसे प्ले करके दिखाऊंगा तभी आपको पता चलेगा, जैसे यहाँ पे म्यूजिक अलग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, म्यूजिक अलग आ रहा है जहां से वहां पे वीडियो को अपना वहीं तक ही रखना है, ठीक है। जहां पे दूसरी म्यूजिक वहां पे दूसरा वीडियो। अब फिर से मैं एक बार प्ले करके देखता हूँ सही हुआ कि नहीं, ये देखो, देखो ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज और आपको करना है, ये बीच में जो आपको एक माइनस करके निशान दिख रहा है ना, इस माइनस वाले निशान पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, ये देखो कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जस्ट वेट, ये देखो आपको जाना है ब्लर्स पे, ठीक है, आपको जाना है ब्लर्स पे। अब यहाँ से आप मतलब कई तरीके से एडिटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्लर्स पे जाने के बाद यार बबल ब्लर्स कर लेना, ठीक है। यहाँ से आपका क्या है, अभी दिखाता हूँ मैं, ध्यान से देखना रील को, ठीक है। देखो तो कहीं ना कहीं से ट्रांजेक्शन लग गया वीडियो में। अब आपको क्या करना है, फॉन्ट, अब सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले इसको हटा देना एंड इफेक्ट पे चले जाना, ठीक है। इफेक्ट पे नहीं जाने का, आपको जाना है यहां से इफेक्ट में। इफेक्ट में जाओगे आपको यहाँ पे वीडियो इफेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, वीडियो इफेक्ट पे जाओगे अब आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे हॉलो ब्लर का एक ऑप्शन दिख जाएगा, आपको ये हॉलो ब्लर पे क्लिक करना है और ये देखो वीडियो का वीडियो देखो कैसा ब्लर हो गया ना, जैसे अभी आपने रील देखा होगा ट्रेंडिंग में मतलब इंस्टाग्राम पे चल रहा था ऐसे। फिर आपको बजाना है, फिर यहाँ पे वीडियो में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे नाइट क्लब में जाओगे। सो जस्ट अ वेट, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है,
अब दूसरा यहाँ पे बॉडी इफेक्ट का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ बॉडी इफेक्ट पे आपको जाना है। बॉडी इफेक्ट पे जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखो, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ऊपर एक एक्सिस करके एक्सिस रोटेशन करके एक आपको इफेक्ट दिख जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ये देखो, ये देखो वीडियो का इफेक्ट और भी हो गया। अब ये देखो आपको ना और एक काम और करना है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ और क्या काम करना है। फिर आपको जाना बॉडी इफेक्ट में, दो इफेक्ट हो गया ना, बॉडी इफेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑप्शन करके एक आपको और इफेक्ट दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना। तो ये देख रहे हो, अभी ये फिर से देख रहा हूँ, अब देखना, ठीक है, इस इफेक्ट को यहाँ तक रहने देते। अब आपको दिखाता हूँ रील कैसा हो गया, ये देखो ये ब्लर है, सो ये दूसरा, ये तीसरा, ये देखो, ये देखो। तो ये कहीं ना कहीं से आपकी रील जो है एडिट हो गई है ना। अब फॉन्ट कैसे आईफोन का आप यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हो, इसका भी मैं आपको अब बताता हूँ। यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, टेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको जाना है, एड टेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे ये मैंने लिखा था 5 बेनिफिट्स ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे आपको जाना है स्टाइल पे और इफेक्ट पे जाना है, ठीक है। जस्ट अ वेट, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ वेट, हाँ, आपको जाना है एनिमेशन पे, ठीक है। एनिमेशन पे जाओगे आपको यहाँ पे कई सारे इफेक्ट आपको दिख जाएंगे, ठीक है। हाँ, आप फॉन्ट पे जाओगे, सो यहाँ पे फॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे फॉन्ट आपको दिख जाएंगे। आपको जो फॉन्ट ऐड करना है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा फॉन्ट ऐड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे नीचे चलते, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, आपको भी स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सो जस्ट अ वेट, जस्ट अ वेट गाइस, यहाँ पे होलिक फ्लेयर करके TXT करके आपको एक आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ये है फॉन्ट, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपको जाना है स्टाइल पे, स्टाइल पे जाने के बाद आपको टेक्स्ट पे जाने के बाद आपको इस टेक्स्ट को कर देना ब्लैक, ठीक है, यहाँ से ब्लैक कर देना है। अब आपको जाना है कैनवास पे, कैनवास पे जाने के बाद इसका बैकग्राउंड आपको चूज कर लेना है, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड आप देखो, ये बैकग्राउंड हो गया, आपको व्हाइट बैकग्राउंड लेना है, और ये जो ओपेसिटी है ना, ओपेसिटी इसको आपको बिल्कुल देखो यहाँ पे कॉर्नर रेडियस जो है ना, इसको बिल्कुल जीरो कर लेना है। ओपेसिटी को तो रहना देना है, लेकिन ये कॉर्नर का जो है ना, इसको बिल्कुल जीरो कर लेना है। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप हाई, जैसे ये देखो हाई करेंगे तो ये जैसे वीडियो के ऊपर देखो ये हाई हो रहा है ना, ये काम करता है। अपने हिसाब से ये सब एडजस्ट करना पड़ेगा, ये देखो ये बगल का हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना आप लोग। अब आपको क्या करना है कि टैक्स पे जाना है। अब टैक्स पे जाने के बाद अब जैसे आपने जो टैक्स लिखा है अफिलिएट को, जैसे मैं अफिलिएट मार्केटिंग को, जैसे मैं मार्केटिंग को रेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो मार्केटिंग को मैंने कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद एडिट स्टाइल पे जाऊंगा, और स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं फॉन्ट में जाऊंगा, ठीक है। यहाँ स्टाइल में जाने के बाद, टैक्स में जाने के बाद, यहाँ से आप अपने टैक्स का कलर, आप जो भी कलर चूज करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, और आपका ये कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको राइट कर देना है। अब फिर से सपोज इट एड, जस्ट अ वेट, हाँ, अब आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है और स्टाइल पे जाना है, ठीक है। स्टाइल पे जाने के बाद फिर आपको स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा शैडोज का। अब शैडोज पे जाने के बाद, ठीक है, शैडोज पे जाने के बाद आपको ब्लैक ब्लैक लेना है, ये देखो ब्लैक लेना है, ठीक है। ब्लैक लेने के बाद अब आपको जो है ओपेसिटी जो है ना, ये ओपेसिटी ये आपको 8 कर लेना है, 8 to 10, 8 to 10, ठीक है, मैं यही कहूंगा 10 कर लेना, ठीक है। 10 करने के बाद अब गाइस ये देखो आपका जो रील है ना, ये जो फॉन्ट है ना, देखो कितना प्यारा आईफोन की तरह बन चुका है, ठीक है, बिल्कुल आईफोन की तरह। सो ये हो गया। अब ये फॉन्ट आपको वहीं तक रखना है जहां तक आपकी वीडियो है, जैसे यहां तक हमारी वीडियो है, ठीक है, यहां तक हमारी वीडियो है, तो यहीं तक हम ये अपना फॉन्ट रखेंगे, ठीक है। अब इसमें आईफोन का इमोजी कैसे आप एड ऑन कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ।
सो आपको चले जाना है अपने क्रोम ब्राउजर पे, ठीक है। यहाँ पे आपको गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको आईफोन इमोजी सर्च करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और एप्पल इमोजी पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे कई जितने भी एप्पल फोन के, आईफोन के जितने भी इमोजीज होते हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। आपको इमोजी पे क्लिक करना है, थोड़ी देर टच की रहोगे, आपको डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। डाउनलोड हो जाएगा ये, और डाउनलोड होने के बाद अब आना है फिर से अगेन आपको कैपकट ऐप में। कैपकट में आने के बाद अब आपको जाना है स्टीकर में, ठीक है। स्टीकर में जाओगी तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे साइड में बिल्कुल देखना, गैलरी का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। गैलरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ये इमोजी सिलेक्ट करना है। ये बहुत ही केयरफुली के साथ में देखना आपको गाइस, ठीक है, नहीं तो ये बहुत ही छोटा होता है और ये अच्छे से बैठता भी नहीं है। सो दोनों हाथ से ही आप कर सकते हो, तो ये बहुत ही भाई बारीकी का काम है, लेकिन देखो एडिटिंग बहुत प्यारा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये देखो गाइस, अब इस इमोजी को भी जहाँ तक आपने फॉन्ट किया ना वहीं तक ही इसको रखना, ये देखो ये बराबर में उसके, ठीक है। अब गाइस हम इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं आखिर है कैसा ये। ये देखो सो एक और काम यहाँ पे, जैसे हम फिर से इफेक्ट पे जाएंगे और ये इफेक्ट है ना, ये थोड़ा सा इसको हम कर लेंगे, मतलब वीडियो के हमारी वीडियो में ही ये चीज रहनी चाहिए, इस वीडियो में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अब एक बार फिर से प्ले करके देखते हैं गाइस, देखो सो ये देखो फाइनली हमारी वीडियो एडिट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डाउनलोड, यहाँ पे आपको एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद ये हमारी वीडियो एक्सपोर्टिंग हो जाएगी। सो जस्ट अ वेट। सो कैसे लगी वीडियो आप लोग जरूर आप लोग चैट बॉक्स में बताना, ठीक है, कमेंट में लिख करके बताना। सच में आपकी वीडियो उस तरीके से एडिट हुई प्रोफेशनल वे में या फिर नहीं हुई, सब कुछ मुझे शेयर करना, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और भी कंटेंट ला पाऊँ और भी अच्छे तरीके से। ओके सो जैसे यहाँ पे मैं इस वीडियो को देखो, ये आप फाइनली ये देखो वीडियो एडिट हो चुकी है। ये देखो गाइस, मतलब बिल्कुल आपका फॉन्ट वगैरह सब कुछ इसी तरीके से है, ठीक है। सो इससे आपकी रील्स भी वायरल होगी और अच्छे तरीके से आप अपने कंटेंट जर्नी में ग्रो कर पाओगे। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं न्यू वीडियो में। ओके।